इस न्यूज के प्रायोजक है। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति की ओर से पिछले काफी समय से 11 सूत्री मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है और विभिन्न तरीकों से अपनी मांगे सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर बुधवार को सूचना केंद्र में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार जोशी ने बताया कि राजस्थान में नर्सिंग स्टाफ ईमानदारी और निष्ठा से ड्यूटी कर रहे हैं। इसके लिए सरकार से नर्सिंग स्टाफ द्वारा बार बार गुहार लगाई गई है। संविदा पर अपनी सेवाएं देने के बाद नियमित हुए नर्सेज का संविदा सेवा काल में नेशनल लाभ नहीं दिया जा रहा है। वहीं 20 वर्षों से नर्सिंग निदेशालय स्थापित करने की मांग की जा रही है। साथ में सभी नर्सिंग कर्मियों का वेतन बढ़ाने और जल्द नियुक्ति के लिए भी राज्य सरकार को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने राज्य सरकार की मांग की है कि आम बीमारियों में डॉक्टरों की तरह दवाइयाँ लिखने और इलाज करने का हक भी दिया जाए ताकि डॉक्टरों की अनुपस्थिति में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। गिरीश कुमार जोशी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन। सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी पीड़ा व्यक्त करता हूं कि आज राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब के घोषणा के उपरांत ठेका प्रथा चल रही है, यथावत चल रही है, और पीड़ित मानवता की एज ए नर्सिंग कर्मी सेवा करने वाले लोगों को केवल 7,000 रुपए मिलते हैं। हम चाहते हैं कि उन ठेका कर्मचारियों को यूटीबी अथवा संविदा नर्सिंग के रूप में कन्वर्ट किया जाए। बल्कि मेरा यह दबाव पूर्वक निवेदन है राज्य सरकार से कि न संविदा, न ठेका, न यूटीबी, नर्सिंग समुदाय को 24 घंटे सेवा देने वाले कर्मचारी को केवल और केवल परमानेंट किया जाए। यही लोक कल्याणकारी सरकार का कार्य होगा। इसके साथ मेरा ये निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खूब सारे नए जिले बनाए हैं जिससे कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था सुधरे। पिछले वर्षों में नए राज्य भी बने हैं जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था सुधरे। जो विभाग पीड़ित मानवता का स्वास्थ्य सुधारने का है, उसका स्वास्थ्य सुधारने के लिए, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य सुधारने के लिए नर्सिंग की अलग से नर्सिंग निदेशालय की स्थापना की जाए, इसका मैं पुरजोर मांग करता हूं। नर्सिंग निदेशालय की स्थापना होने से ही नर्सिंग समुदाय, जो चिकित्सा विभाग का बहुत बड़ा समुदाय है, शिक्षा विभाग के बाद दूसरे नंबर पर इसकी संख्या है। जैसे शिक्षा विभाग में निदेशालय है, ऐसा नर्सिंग निदेशालय बने जिससे नर्सेज को पृथक बजट मिले, नर्सिंग छात्रों की शिक्षा सही हो, नर्सेज के प्रमोशन हो, नर्सेज की शिक्षा, चिकित्सा, नर्सिंग सेवा सही सलामत हो और छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। उच्च शिक्षित नर्सिंग समुदाय को उसकी शिक्षा के अनुरूप और अनुकूल वेतन बढ़ा हुआ मिले, उसको शिक्षा लेने के लिए अवकाश की स्वीकृति मिले। प्रधान मांग हमारी यही है कि ठेका प्रथा बंद हो, ठेका के कर्मचारियों को मजदूरों से भी कम तनख्वाह मिलती है, उनको स्थायी किया जाए और नर्सेज का निदेशालय खोला जाए।